हेलो गाइस, आज की हमारी जो रेसिपी है वो सूरन की सूखी सब्जी है। तो उसके लिए हम जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये सूरन है, इसको हमने बॉयल करके रखा है। आप देख सकते हैं ये सूरन बॉयल्ड है। आप कुछ लोगों को गले में सूरन लगता है तो इसलिए आप अमरूद के पत्ते में आप इसे बॉयल करके रख लीजिएगा, अमरूद के पत्ते में। और नमक है, नमक हम जो ऐड करेंगे वो स्वाद अनुसार है। धनिया है और ये हल्दी पाउडर है। ये पेस्ट है हमने बना रखा है। लहसुन, अदरक, मिर्च और चावल, चावल की वजह से कुरकुरा आता है थोड़ा, इस वजह से हम इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। और ये सारी हमारी हैं, बाकी चीज़ें अगर कुछ ऐड करते हैं तो इधर हम आपको उसी टाइम पे बता देंगे। वैसे कुछ ऐड होने वाला नहीं है बट हम आपको बता देंगे अगर कुछ ऐड होता है तो। कढ़ाई हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फ्राई करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा लगता है, सूरन की सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जब से तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें सूरन में मिक्स कर लेते हैं जो मसाले हमने पेस्ट बना के रखा है। वो है ये ऐड कर लेते हैं हम। हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी डाल दीजिएगा इसमें। धनिया की, धनिया हमने रखा है, धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। हाफ स्पून या एक स्पून आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। नमक आप डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं, इसलिए हम इसमें मिक्स कर लेते हैं पहले से ही। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सूरन डालने वाले हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे, लाल होने तक फ्राई करते रहेंगे इसे। हम इसे फ्राई करते रहेंगे डीप, इसमें हम इसे चलाते भी रहेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे इडली घर में बना सकते हैं। अब सूरन की सब्जी बिल्कुल फ्राई अच्छी तरीके से हो चुकी है। हम इसे बहुत ही जल्दी सर्व करने वाले हैं, देख सकते हैं हम इसे बहुत ही जल्दी सर्व करने वाले हैं। सूरन की सब्जी बिल्कुल रेडी है, सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है इसका और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।